बाल विकास से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है जिसमें 50 प्रश्न था, उससे आगे का ये प्रश्न है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी? टैन, तर है इसका टैन। किसके अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है? बोरिंग। ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना किसने की? अली ने। बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? डार्विन। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का अध्ययन है, कथन किसका है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वुडवर्थ। माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रेयर। बाल अध्ययन का पितामह किसे कहा जाता है? स्टेनले हॉल। 1916 में भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में किसके द्वारा स्थापित की गई? नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता। भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924। ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में किसका योगदान प्रमुख माना जाता है? पियाजे। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई? 1930। बाल अध्ययन की क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि का प्रतिपादक कौन था? प्रियर। मनोविज्ञान को आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान किसने कहा, किसने बताया? मैकडूगल। इंपॉर्टेंट है ये। बाल अध्ययन की व्यक्ति इतिहास विधि का प्रतिपादक कौन था? टाइडमैन। किसने मनोविज्ञान को जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन बताया है? जिम्बार्डो। बाल अध्ययन की लंबात्मक विधि का प्रतिपादक कौन था? कार्ल सी गैरिसन। मनोविज्ञान को व्यवहार का धनात्मक विज्ञान किसने कहा है? वाटसन। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है? विलियम जेम्स। बाल अध्ययन की निरीक्षण विधि का प्रतिपादक कौन था? वाटसन। बाल अध्ययन की प्रयोगात्मक विधि का प्रतिपादक कौन था? विलियम वुंट। गर्भावस्था से परिपक्वावस्था तक होने वाले परिवर्तनों को हरलॉक ने किस श्रेणी में रखा है? रचनात्मक। बाल मनोविज्ञान में बालक की किस अवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाता है? गर्भावस्था से बाल्यावस्था। मनोविज्ञान के अध्ययन का आरंभ किसके द्वारा शुरू हुआ? अरस्तु। अरस्तु के काल में किस विषय की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन आरंभ हुआ? दर्शन शास्त्र। बाल विकास में बालक की किस अवस्था पर ध्यान देते हुए अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शैशवावस्था। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। यह भी इंपॉर्टेंट है। बाल विकास की किस अवस्था को पठार अथवा विश्रामावस्था कहा जाता है? जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक। अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का क्या अर्थ है? आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान पहले किसकी एक शाखा के रूप में प्रयोग किया जाता था? दर्शन शास्त्र।
बालक के विकास पर पहली बार वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया? पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? बेबी बायोग्राफी। वर्तमान में बाल मनोविज्ञान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाल विकास। बाल अध्ययन आंदोलन का संबंध किस स्थान से है? अमेरिका। बालक के मन तथा व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान। बाल अध्ययन आंदोलन 1893 के जन्मदाता कौन थे? स्टेनली हॉल। बाल अध्ययन समिति व बाल कल्याण संगठन जैसी संस्थाओं की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने किस विधि से बाल विकास का अध्ययन किया? प्रश्नावली विधि। शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन क्लिनिक किसने खोला? विलियम हिली। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कहाँ से हुई? कोलकाता विश्वविद्यालय 1930। सीखने का आदर्श काल किसे माना जाता है? शैशवावस्था। समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? कोहलबर्ग। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने उनमें विभेद करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। वैगोत्सकी के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था। बाल मनोविज्ञान को जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वावस्था तक अध्ययन किसने माना है? बर्क ने। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? 5 वर्ष। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? साक्षात्कार विधि। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है इसे, जीन पियाजे। तो ये रहा आज का टॉप 50 प्रश्न। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।